हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टू अ न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज सुबह सुबह हमारा एकांशी का सबका नाश्ता हो गया है और उसको अभी मिड डे स्नैक में मैं उसको दे रही हूँ कोकोनट वाटर। रिसेंटली कांची को मतलब पेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा है कि आज इसको मिड डे मील में मैं कोकोनट वाटर दूंगी जो टमी को रियली बहुत सूद करता है। बट बैंगलोर के वेदर को ध्यान में रख के मैं कोकोनट वाटर उसको बहुत कम देती हूँ, 2 वीक्स में शायद एक बार, वो भी ये पूरा फिनिश नहीं करेंगे क्योंकि उसके इसके हिसाब से एक पूरा कोकोनट वाटर एक टाइम पर ना लेना ही सही है। तो चलिए, जब तक वो अपना कोकोनट वाटर इन्जॉय करती है मैं चलती हूँ किचन में। तो आज बन रहा है लंच में स्पेशल छानार तरकारी। छानार तरकारी मीन्स जो घर में जो मिल्क से हम जो पनीर बनाते हैं वो, तो उसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी मिक्स करके हम यहाँ पे उसका कोफ्ता बना रहे हैं। देखिए बिल्कुल एकदम रसगुल्ले की तरह लग रहा है देखने में। और फिर यहाँ पे मसाला फ्राई किया है। मसाले में मैंने डाला है सिर्फ अदरक का पेस्ट और थोड़े से गर्म मसाले डाले हैं तेल में, जैसे कि कार्डमम है, दालचीनी है और जीरा और धनिया। तो इसके बाद मैंने ऐसे क्यूब्स में आलू भी काटा था, उसको भी फ्राई किया अच्छे से। जब मसाले ने तेल छोड़ दिया तो जो मैंने पकौड़े बनाए थे उनको जो पानी में रखा था वही वाला पानी डाल दिया ग्रेवी के लिए। फिर जब ये अच्छे से उबल जाए तो इसमें डाल दीजिए आप ये सारे बॉल्स जो आपने पहले से बना के रखे हैं और बिल्कुल तैयार हो जाएगा आपका बहुत ही यम्मी और टेस्टी होममेड पनीर की सब्ज़ी। और ऊपर से आप घी और गरम मसाला डालना मत भूलिएगा। तो अब हम आ चुके हैं हॉस्पिटल में आज कुहू के वैक्सीनेशन के लिए। मुझे इस हॉस्पिटल की ना एक बात बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे ना वो किड्स के प्ले एरिया बनाया गया है। मतलब क्या होता है ना कि जब क्यू में हम वेट कर रहे होते हैं तो बच्चे तो बहुत इंपेशेंट हो जाते हैं और उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, पर उन्होंने इसी चीज़ के लिए ना बच्चों का ये प्ले एरिया रखा है जिससे कि वो इंगेज रहते हैं और वो खेलते रहते हैं और हमारा क्यू नंबर भी आ जाता है। ये एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। तो हम वापस आ चुके हैं और अभी हो गया लंच टाइम। तो एकांशी को मैंने पहले थोड़ा खाने के लिए दिया है, चिकन खा रही है वो, इसके बाद उसको मैं पूरा लंच करवाऊंगी। फिनिश फास्ट आदर तक जाएगा उनका। अच्छा यम्मी, इज इट यम्मी? तो अभी हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं इनके लिए स्पेक्स लेने के लिए। लेंस कार्ट और टाइटन आई प्लस दोनों में ट्राई करेंगे। आज मेरी तबीयत उतनी ज़्यादा ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा कोल्ड हुआ है तो इसलिए पैदल नहीं जा रहे, सोचा कार्ड लेके ही चलते हैं। तो देखिए ये है इनका लास्ट स्पेक्स वाला लुक, अभी देखते हैं कौन सा स्पेक्स लेते हैं। Sir, with the premium, this lens, if you cost you this, you have flat 70% off in this. 1 to 4. Yes. What is the total cost of the specs? 1 to 4 3. There is a flat 70%. And 1 by 1 to 1 gift, probably 1 plus 1. So that it will cost the same price. If you want to go 1 plus 1, it will cost same price. If I go for 1, that will be the price. Okay. Can you check my power and then? Yeah, we are selecting. Just wanted to know the price of these two. This all is what he has explained, no? If you want to select a portion that size, so it will come 3,700 with lens and lens. And if you want to go for buy one get one, 3,700 plus membership charge 600 rupees plus lens will be there. No, buy one get one will not. If you want to go for single one, you have to select from that size, that orange is from this side. No, he told like for his power, that side frame won't be suitable. Like those are very light kind of frames. You want to take only one, right? Yeah. तो स्पेक्स तो हमने ले ली, ऑर्डर भी दे दिया है बनाने के लिए, तो अभी वो 2-3 दिन बाद डिलीवरी आएगी। तो यहीं पे ना बहुत अभी और ठंड का टाइम है और बहुत गर्मा गर्म मोमो बेच रहा है ये, दार्जिलिंग से ही कोई किसी का स्टॉल लगा है। तो यहाँ पे हम मोमो ट्राई कर रहे हैं, तो हम दोनों मोमो यहीं भी खा लेंगे और पापा मम्मी पापा के लिए और एकांशी के लिए घर पर लेके जाएंगे। ও বাবা, কু আবার 4K মোমো খাচ্ছে, কেমন গো মোমোটা? কু মোমো কেমন? तो अभी थोड़ा प्लांट्स में वाटर करना है। एकांशी ऑलरेडी पहुंच गई है प्लांट्स में वाटर करने के लिए, तो इसके बाद फिर मैं जाऊंगी किचन में कुकिंग के लिए। ये देखिए, ये वो अजवाइन का प्लांट है जो मैंने लास्ट अब मेरे वीडियो में एक दिखाया था। तो ये अभी अच्छे से लग गया और नए नए पत्ते भी आ रहे हैं
और ये सब है पंपकिन के छोटे छोटे पौधे हैं जो निकल रहे हैं, पता नहीं बड़े होंगे कि नहीं, पर अभी तो फ़िलहाल चल रहे हैं। तो यहाँ पे एक प्लांट मेरा सूख गया है और बाकी सब की हेल्थ ऑलमोस्ट ठीक ही है। ये भी एक पंपकिन प्लांट है, पता नहीं ये होगा कि नहीं, बट अभी अलग अलग पॉट्स में मैंने प्लेस कर दिया है उनको। और ये मनी प्लांट है और ये सब है। और ये देखिए कितना अच्छा सा, इसको हम लोग बेली फूल बोलते हैं, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी होती है। फिर इधर एलोवेरा प्लांट और ये सब है। ये वाला भी ना मैंने कटिंग से लगाया था, तो ये वाला बहुत अच्छा निकल के आया है प्लांट, ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया। और इसी के कटिंग लेके फिर मैं दूसरे पॉट्स में भी अभी लगा रही हूँ। और ये वाला एक फ्लावर का पॉट प्लांट है जो मैंने नर्सरी से लिया था, पर ये फ्लावर्स वाले पता नहीं मेरे पास ज़्यादा दिन टिकते नहीं हैं, बस दो चार बार फ्लावर्स आते हैं उसके बाद ये पेड़ सब सूख जाते हैं। बाहर से आने के बाद चाय पीना नहीं हुआ, तो अभी बन रही है हमारी शाम की चाय। तो चाय पीने के बाद मैं डिनर का प्रेप स्टार्ट करूँगी। आज सुबह हमने ब्रेकफास्ट में सेवई का उपमा लिया था, तो वही थोड़ा सा बच गया था, तो अभी शाम में चाय के साथ मैं यही ले रही हूँ, तो यही मेरा स्नैक हो जाएगा आज का। हाय फ्रेंड्स, तो चाय भी पी लिया तो बहुत एनर्जी आ गई है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं थोड़ा कुक करूँगी, तो आज मैं बनाऊँगी चिकन के कुछ कबाब्स, तो वो होंगे चिकन के हरियाली कबाब्स। तो वो धनिया पत्ते की चटनी के साथ बनती है, चटनी मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है, तो मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो चलिए फटाफट मैं आपसे उसकी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए मेरी असिस्टेंट यहाँ भी पहुँच गई है। मैं किचन में पहुँचूँ इससे पहले एकांशी बिल्कुल रेडी है मेरे साथ आगे। मैंने जो भी वेजिटेबल्स चॉप किए हैं उसकी लिए सब्ज़ी बनाने के लिए, वो बस उनको धोने के लिए बैठ गई है अभी। ঠান্ডা লেগেছে এত জল খাটা চলবে না সোনা করছি আস্তে আস্তে করছো তাও ঠান্ডা লেগে যাবে বেশি জল খাটলে আচ্ছা কি কি নিয়েছো খিচুড়িতে দেওয়ার জন্য পেঁয়াজ সবজি সব নিচ্ছি কি কি সবজি নিয়েছো টমেটো সবজি আর আর টমেটো तो यहाँ मैंने 500 ग्राम चिकन वॉश कर लिया है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ले रही हूँ गार्लिक ग्रीन चिली, और ये हो गया ब्लैक पेपर। तो इसको मैं क्रश कर लूँगी बिल्कुल दरदरा, और इसको पीसेंगे, और इसके बाद इसको मैं डाल दूँ चिकन में। फिर ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, और ये है वो धनिया पत्ता की चटनी जो मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई थी, और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट। तब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। सब कुछ मिक्स करके मैंने हाफ़ एन आवर छोड़ दिया था। फिर ये देखिए मैंने एक गरम मसाला का पाउडर बना के रखा है, वो मैं भूल गई थी, तो वो मैंने यहाँ पे डाला है। और साथ ही माइक्रोवेव का प्लेट को मैंने अच्छे से ऑयल से ब्रश कर लिया है। उसके बाद अब मैं चिकन को एक एक करके इसमें अच्छे से सजा दूँगी। फिर तो मैं यहाँ पे ओवन को प्री हीट कर रही हूँ 10 मिनट्स के लिए, और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कबाब को जूसी बनाने का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टिप। तो जब भी आप कबाब माइक्रो ओवन में डालते हैं, पहले एक बोल में थोड़ा सा पानी डालिए, और उसके ऊपर फिर ग्रिल सेटर को रख के उसके ऊपर ग्रिल होने दीजिए। इससे क्या होगा, पानी का जो वेपर आएगा ना, उससे चिकन बहुत मॉइस्ट रहेगा और बहुत जूसी बनेगा कबाब। तो मेरे कबाब्स रेडी हैं, देखने में तो बहुत यमी लग रहे हैं। लास्ट में मैं क्या करूँगी, इसमें एक नींबू का रस डाल दूँगी। मुझे ये कबाब्स के ऊपर हल्का सा ये नींबू के रस का जो टेंजेंट फ्लेवर होता है वो मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं उसको डाल के फिर मैं सर्व करूँगी अभी। तो अभी डिनर के बाद एकांशी बैठ गई है पापा के साथ खेलने के लिए। तो यहाँ पे आज वो क्या कर रही है, उसके स्कूल से एक फ़ोटो भेजा है, तो वो अपने पापा को इंट्रोड्यूस करा रही है अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके नाम बता रही है। Sara, I see. Yo, আর এর নাম জানো নাকি? এর নাম কি? এর নাম কি? এটা কি তোমাদের ব্যাচের নয়? না, ওর ব্যাচের নয়। ও। এটা বসুধা। না, এটা বসুধা না। বসুধা না এটা। বসুধা তো তোমার সোসাইটিতে আছে। আচ্ছা, তো এটা সারা, ওটা অথর্ব। আর এটা কি? तो चलिए अब व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।